दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और उगाएं हम ढेर सारी सब्जियां ऑर्गेनिक जहर मुक्त, वो भी अपनी छत पर और कम से कम खर्च में यानी जीरो बजट में। तो दोस्तों आइए चलते हैं, उगाते हैं हम ढेर सारी सब्जियाँ। और दोस्तों अपने घरों से निकलिए, आज बोटिंग का दिन है। देखिए हमने ये बोट कर लिया दोस्तों, अभी 7:15 हो रहे हैं, पहली बोटर मैं हूँ। 7 बजे मैं बोट देकर, देखिए और मौसम भी आज कितना। तो दोस्तों राम राम, आज हमने उगाए ढेर सारे बोगनवेलिया कलम से। जैसा कि आपको पता है मैं ढेर सारी कलम तैयार कर रही थी, और आज प्रकृति तो देखिए कितना खूबसूरत मौसम है दोस्तों। सड़ी गर्मी मई की, उसमें इतना खूबसूरत वातावरण, इन पौधों के लिए तो मतलब जान डाल देने वाली बात है। और मेरे लिए तो अच्छी बात इसलिए है क्योंकि मैंने जिन पौधों को रिपोर्ट किया है, ये वातावरण उनको उगने में, उनको अच्छे से सर्वाइव करने में बहुत सहयोग करेगा। तो हमने ढेर सारी बोगनवेलिया उगाई, और उगाया तो पहले से था, उनको रिपोर्ट के मतलब उनको पॉट दिया है। और अभी हमारी कम से कम मतलब 500 पौधे तैयार हो रहे हैं दोस्तों, ढेर सारे पौधे, छोटे बड़े मतलब मोटी कलम, छोटी कलम, पतली कलम, इस तरह से ढेर सारे कलम हमारी तैयार हो रही हैं। तो आने वाले टाइम में हम आपको दिखाएंगे उनको, जैसे जैसे तैयार होती जाएंगे वैसे वैसे हम कहीं बाल्टी में तो कहीं गमले में तो कहीं किसी जो मिलेगा सब में उगाऊंगी मैं और आपको दिखाऊंगी। दोस्तों इनमें से बहुत सारे हैं जो पहली बार खिलेंगे, जैसे ये वाला देखिए, इसको शौक लग गया था। तो 3 महीने तो वैसे ही लग जाते हैं पौधों को तैयार होने में, और फिर शौक लगने के बाद 3 महीने इनको, 2 महीने, 2.5 महीने लग जाते हैं बाहर आने में। तो इस तरह से ये देखिए, ये 21 ज्वेल्स है, ये भी 21 ज्वेल्स है। तो इस तरह से हम ढेर सारे कलम से पौधे उगा रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम आपको दिखाएंगे। और हमारे ये हिबिस्कस हैं। तो दोस्तों आज हम उगाएंगे, पौधे तैयार करूंगी मैं सब्जियों के, तो आइए मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों आज हम बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं उनके कुछ दाने डालेंगे पौध तैयार करने के लिए। इनकी पौध तैयार होने में लगभग 1 महीने लग जाते हैं, तो इसलिए हम 1 महीने बाद बारिश होगी तो होगी, मेरा अंदाज़ा है होगी। तो दोस्तों इसलिए हम अभी तैयार करेंगे पौधे ताकि 1 महीने बाद बारिश जैसे हो हम उनको रोप दें। बहुत ज़्यादा बारिश में भी हमारे पौधे जो है नहीं होते हैं, अगर छोटे छोटे रहते हैं तो हम पहले से अगर इनको उगाए रहेंगे तो ये अच्छे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक तरह का दाना ये है लौकी का, और ये है गोल लौकी। ये देखिए किस तरह दोस्तों, जब तक इसको हम ऐसे रखते हैं ना ये प्रिजर्व रहती है, इसको कुछ नहीं होता है, दाने एकदम साफ़ सुथरे रहते हैं। इनको यहाँ पर डाल देती हूँ मैं इन दानों को। तो ये दाने हैं गोल लौकी के, और ये है हमारा नेनुआ, आपकी तरफ क्या बोलते हैं हमको नहीं पता। तो दोस्तों अगर इनमें हम इस तरह से रखते हैं ना तो ये प्रिजर्व रहते हैं, इनको कुछ नहीं होता, ये ख़राब नहीं होते हैं, एकदम साफ़ सुथरे और बहुत अच्छे दिखते हैं। खाने में नेनुआ बहुत अच्छा लगता है, किसको किसको पसंद है आप बताइएगा। आपकी तरफ इसको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में इसको बोलते हैं डोड़का, हमारी तरफ बोलते हैं रेरुआ, वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं नेनुआ। तो दोस्तों ये है नेनुआ का दाना, ये 1 महीने बाद इसको मैं दूसरी जगह रोपूंगी, अभी मैं इसको सिर्फ पौध तैयार करने के लिए इसको डाल रही हूँ। तो दोस्तों कई तरीके से इसको रोपा जा सकता है, पौध कई तरह से तैयार किया जा सकता है। तो मैं थोड़ी जल्दी में रहती हूँ तो मैं इस तरह से दानों को बिखेरती हूँ, और दानों को बिखेर कर इस तरह से मैं, ये देखिए एक लोहे का पंजा है जैसे आप अपनी उंगलियों से काम कर रहे हो, मकसद ये रहता है कि हमारे दाने मिट्टी में दब जाएं। वैसे एक एक दाने भी आप इनको गाड़ सकते हैं, लेकिन इतनी चकल्लस मैं नहीं करती दोस्तों, मैं बड़ा सिंपल और साधारण सा काम करती हूँ, यानी शॉर्टकट। तो ये हो गया हम, और इसी में बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा चकल्लस की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये दाने हमारे ये लग गए, और ये करीब 50-60 दिन में दोस्तों इनमें फल आते हैं। तो ये देखिए हमने इसको रखा हुआ था पकाकर अपने घर में ही, देसी है ये, तो ये ज़्यादा फ्रूटिंग करते हैं और अच्छा फ्रूटिंग करते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अपने घर में ही दाने रखूँ और उन्हीं को ही मैं उगाऊँ। दोस्तों एक तरह से ये लंबी लौकी है, इसके दानों को हमने बिखेर दिया है,
इसको थोड़ा उगा तो लेने दो, सना जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारी गोल लौकी का दाना। मेरे को कम से कम 10-15 मतलब 10 तरह की बेल वर्गीय सब्जियां लगानी है अभी, लेकिन मैं आज आपको 3 तरह की ही लगा के बताऊंगी। बाद में इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या उगाऊंगी, आपको दिखाती रहूंगी। और मैं इस तरह से कंटेनर तैयार करके रखी हुई, और ये बेल वर्गीय के लिए ही मैंने कंटेनर रखा हुआ है, क्योंकि बेल वर्गीय सब्जियों के लिए कंटेनर थोड़े से आपके बड़े होने चाहिए और गहरे होने चाहिए, तभी आपकी सब्जियां अच्छा फैलेंगी और अच्छा फ्रूटिंग करेंगी। देखिए नेनुआ हमको इतना मिल रहा है, लौकी में भी हमारे फल, ये गर्मी वाले हैं दोस्तों। अभी जो है हम लगाएंगे बरसात वाला। तो दोस्तों इसको हमने प्रिजर्व किया हुआ था, तो इसको थोड़ा सा फोड़ूंगी। अच्छा मैं पहले फोड़ लूं, बहुत शोर हो रहा है। दोस्तों ये इतना मजबूत है कि ये फूट नहीं रहा है। पहले के लोग जो थे ना, बहुत पुराने लोग, इस तरह की लौकियों में ऐसा थोड़ा सा छेद करके इनमें तेल भी रखते थे, इनमें वो खेतों में अपने पानी भी ले जाते थे। ये बहुत मजबूत होता था, तो इसको जब लौकी को पका लेते थे ना, तो ये बहुत मजबूत होता था, तो इसको वो कई तरह से इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों मैं इसको तोड़ लेती हूँ, क्योंकि ये तो टूट ही नहीं रहा है। तो मैं देखती हूँ यहाँ से ऐसा छेद करके। अच्छा इसका गमला भी बड़ा अच्छा बनेगा दोस्तों, मेरे दिमाग में अभी अभी बात आई। तो मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ और तोड़कर इसके दाने निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये एक हाथ से बनेगा नहीं। तो चलिए मैं पहले इसको तोड़ लेती हूँ। तो दोस्तों ये इतना मजबूत था कि ये मुश्किल से टूटा है। ये चाकू यहाँ रख के यहाँ थोड़े से ढम 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 जब मारी हूँ तो ये टूटा है। तो मैं अपनी जरूरत का इससे निकाल लेती हूँ बीज। बाद में इसका हम क्या करेंगे आपको बताएंगे। अभी हम इस खोपड़ी से कम अपनी जरूरत का बीज तो निकाल लें, और हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कि कितना फ्रेश आपको ये बीज दिखेगा, क्योंकि ये प्रिजर्व था। जब तक इसमें रहेगा इसको कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों मैं थोड़े पौधे ज्यादा ही उगाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग फिर मुझसे मांगते भी हैं, तो मैं उनको फिर पौधे दे देती हूँ। तो लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं उगाऊंगी, 10-5 पेड़ से ज्यादा ही उगाऊंगी। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ कि किसी भी शॉप में आपको इतने फ्रेश दाने नहीं मिलेंगे। आप इसको 10 साल रखेंगे अगर नहीं फोड़ेंगे, तो आपके दाने ऐसे के ही ऐसे रहेंगे, और जब भी आप इसको फोड़ेंगे आपको ये फ्रेश ताजे दाने मिलेंगे। और ये इसका जर्मिनेशन दर 100% रहता है। एक दाना, क्योंकि चूंकि बहुत अच्छे से पका हुआ है लौकी, एक दाना आपको ऐसे खराब टेढ़े मेढ़े इचके पिचके नहीं मिलेंगे, सबके सब ठोस दाने हैं। तो दोस्तों ऐसी कम से कम मैं 20 लौकियां रखी थी। बहुत से दोस्तों को मैं सैघा लौकी ही बांट दी, और अभी मैं कुछ लौकियां अपने लिए रखी थी, क्योंकि अपने लिए भी तो रखना पड़ेगा ना दोस्तों। तो चलिए अब इसको उगाते हैं। तो दोस्तों उसी प्रक्रिया से मैं उगाऊंगी, इन दानों को ऐसे मैं बिखेर दूंगी, क्योंकि दोस्तों 2-4 दाना तो उगाती नहीं हूँ कि मैं गाड़ूं। तो इस तरह से इन दानों को मैं बिखेर दूंगी। इस कंटेनर को मैंने बहुत पहले तैयार कर लिया था, इसमें नीचे पत्ते भरे हुए हैं, ऊपर से खाद मिट्टी करके हमने इसको तैयार कर लिया था। तो दोस्तों ये हमारे बेल वर्गीय पौधों के लिए ही है। इसमें टमाटर उगाया था हमने, क्योंकि उस टाइम पे नहीं उगाया था हमने इसमें बेल वर्गीय, तो टमाटर बहुत खाए, मतलब 5,500 किलो 2 कंटेनर में टमाटर हुए हैं। अब इस तरह से इसको हम चला देंगे। ये देखिए हमारा मकसद है हमारे दानों को अंदर मिट्टी में दबा देना। मिट्टी में जब दाना दबेगा तब वो मॉइस्ट होगा, फिर उसका अंकुरण होगा, तभी होगा। दोस्तों 20-25 दिन, 1 महीने में हमारे पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे दूसरी जगह पर रोपने के लिए। क्योंकि आपको अच्छे से पता है अभी मई चल रही है, 15 जून से पहले बारिश हो जाती है, तो एक मतलब ये बहुत सही टाइम है अपने पौधों को तैयार करने का, मतलब ना कि उगाने का। आप पौधा तैयार करिए, इसके बाद जहां मर्जी हो, जहां जहां आपको उगाना हो आप इनको उगाइए। तो इसलिए हम आज ये 3 तरह के पौधे उगाए हैं। अब कल हम और पौधे उगाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे बेल वर्गीय। बहुत सारे हैं दोस्तों, करेला है, खीरा है, ककड़ी है, कद्दू है, इस तरह से चिकनी तरोई तो हमने उगा दिया, वो धारी वाली तुरई है, बहुत सा खीरा है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम बरसात में उगाते हैं और बहुत आसानी से बिना किसी देखभाल के होती है।
बरसात वाली सब्जी दोस्तों बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, तो हमारी सब्जी बिना मेहनत की होती है। गांव में तो चार पेड़ यहां तो चार पेड़ वहां लगाते हैं और इसके बाद ढेर सारी सब्जी पूरे सीजन खाते हैं। तो इस तरह से आप भी उगाइए और आप भी खाइए। ठंड बरसात में जो आप सब्जी उगाएंगे ना, वो फिर हल्की हल्की जब ठंड पड़नी शुरू होती है या बारिश के ख़त्म थोड़े से ख़त्म होने लगती है, तब उसमें फ्रूटिंग होता है। थोड़ा टाइम लगता है बारिश वाली सब्जी को फ्रूटिंग करने में, तो हमारी इसलिए जल्दी फ्रूटिंग करेगी क्योंकि हमने सही टाइम पर उगा दिया। तो दोस्तों कल हम और उगाएंगे ढेर सारी बेल वर्गीय सब्जियाँ। मैं थोड़ा टाइम से उगाती हूँ, थोड़ा फास्ट उगाती हूँ, तो हमको फ्रूटिंग फास्ट मिलती है। अभी देखिए एक कद्दू यहाँ लगा है, एक कद्दू यहाँ लगा है, एक कद्दू यहाँ लगा है। तो इस भरी गर्मी में अगर हमने इतने कद्दू तैयार कर लिए तो बारिश वाले तो ढेर सारे फलते हैं। तो इसलिए टाइम से आप उगाइए। जैसे एक ककड़ी रोज दोस्तों, किसी दिन ना हो जो ककड़ी हमको ना मिले। आज हम हालांकि तोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से टाइम से अगर आप उगाते, अभी देखिए लोगों का अभी ना जिमीकंद उगा नहीं उगाए होंगे, लेकिन हमारे जिमीकंद मेरी हाइट के बराबर हो गए हैं और उधर की सब्जियां दिखना बंद हो गई हैं। तो इस तरह से अगर आप टाइम से सब्जियां उगाते हैं तो आपको ढेर सारी फ्रूटिंग मिलेगी और टाइम से मिलेगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे जब बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी ख़त्म होती है, बरसात की शुरुआत होती रहती है, लोग कुछ उगाए नहीं रहते हैं, तो सब्जियां उस टाइम पे मिलना थोड़ी मुश्किल होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ बारहों महीना आपको कुछ न कुछ सब्जियां मिल जाती हैं। हमें खरीदना नहीं पड़ता क्योंकि हम सिस्टम से काम करते हैं, इसलिए हमको सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं। ये सही टाइम है आपकी सब्जियों को उगाने की तैयारी का, ना कि उगाना। आप अभी कुछ ना उगाएं या उगाएं आपकी मर्जी, लेकिन आप तैयारी जरूर कर लें। जैसे आप कंटेनरों को साफ कर लें, इनमें धूप दिखवा दें, मिट्टी में नए सिरे से इनको खाद मिट्टी डालकर भर दें, ताकि जब आपको ज़रूरत हो आप फटाफट उनमें उगा दें। देखिए हमारे बैंगन, जैसा कि हम कह रहे हैं आपको दोस्तों, हमें कुछ न कुछ सब्जियां मिलते रहती हैं क्योंकि हम बहुत सिस्टम से अपने गार्डन में काम करते हैं, तो हमें सब्जियां मिलते रहती हैं। अब जैसे बारिश तक तो ये हमारे करेले ही फलते रहेंगे और इसके बाद जैसे ये ख़त्म होंगे हमारी नई सब्जियां आ जाएंगी जो हम अभी उगा रहे हैं। तो इसलिए अब इसमें हमने हल्दी लगा दिया, ये हमारे करेले हैं। एक कंटेनर खाली करना है, लेकिन ये करेले इतने सुंदर हैं और अपने आप हुए हैं इसमें, इसलिए हम इनको नहीं उगाएंगे क्योंकि इसमें से हमको ढेर सारी फ्रूटिंग मिल रही है। अभी हमने कल तोड़ा है और इस तरह से इसमें ढेर सारे, मैं देख रही थी सुबह एक बार आ चुकी हूँ, तो इस तरह से देखिए इसमें ढेर सारे फल लगे हुए हैं, तो इनको मैं नहीं उखाड़ूंगी। इसी तरह से ये बैगन का कंटेनर, ये भाजियां हैं, इसको हमने साफ कर दिया क्योंकि हम इसको खाली करके कुछ नए सिरे से भरेंगे। ये हमारा अदरक है, ये भिंडी है, उसमें बैगन है, देखिए कितने बढ़िया। आप मतलब सिर्फ देखने का, इसमें पानी मत डालना हो। ए इसमें डाल पानी डाल दिया क्या? ला तो ये है देखिए, ये बैगन, इसमें कितने सारे फले हुए हैं। पोई है, कुछ नहीं है, कभी तो हम पोई ही बना लेते हैं दोस्तों। आज हम इसको सनफ्लावर के भी जो है ना, इनको भी मैं कुछ जो बहुत ज़्यादा पक गए हैं, मैं देखी तो यहाँ ढेर सारे सीड गिरे हुए थे, तो इनको आज मैं कुछ को काट लूँगी। अब ये देखिए ये मिर्चियाँ हैं, जैसे इनमें पानी गिरे ना, बारिश की बूंदें, ये ऐसी चमक जाएंगी कि आप, मैं क्या बताऊँ आपको, और इतनी फ्रूटिंग करेंगी। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी सब्जियां ख़त्म होने से पहले हमारी नई सब्जियां तैयार हो जाएंगी। तो इसलिए हम उगा रहे हैं और कल भी हम ढेर सारी उगाएंगे। दोस्तों आज ही हमको ढेर सारे सीड डालने थे, लेकिन आज मैं बोगनवेलिया में सुबह से लगी थी दोस्तों, तो मेरे को टाइम ही मिला, मैं तीन तरह के सीड डाल पाई हूँ। बाकी सीड्स को मैं, मेरे पास एक पिटारा है सीड्स का, उसमें से निकालूंगी और फिर मैं कल डालूंगी। मैं पिटारे को खोल नहीं पाई, इनको मैं अलग से रखी थी, इसलिए इनमें से हमने निकाल लिया। इसको रख देती हूँ दोस्तों। आज कुछ बोगनवेलिया की जो कलम हमने उगाई थी पीछे, उसको हम पॉट दे रहे हैं, तो हमने पहले उसको निकाला है, उस पर जाने दो मेरे। हमने उसकी मिट्टी तैयार करी है बोगनवेलिया की, वो भूसी है, और नीचे हम अच्छा मिट्टी तो है ही है उसमें ना, तो ये थोड़ी नीचे भूसी भर के पॉट में, हाँ, और इसके बाद इसको हम रहन दो, टेढ़े ही रहन दो, सीधा करने से वो गड़बड़ होगा, बाद में करेंगे। तो इस तरह से हम इनको पॉट दे रहे हैं दोस्तों, ये देखिए
ये हम जहाँ पर उगाए थे ना, तो उसको मिट्टी के साथ उखाड़ उखाड़ कर ऐसे गोल बना बना कर लाए हैं। पीछे तरफ लगाए हैं बहुत सारा, अभी भी बहुत सारा है, उनको अभी हम लाएंगे, कुछ को धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि बहुत सारा है तो एक साथ नहीं होगा। और एक साथ हमारे गमले भी पास, हमारे पास गमले भी उतने नहीं हैं। और ये देखिए इसके पत्ते थोड़े से मुरझा गए हैं। और दोस्तों हम लगाएंगे चंपा दो कलर की, इसको 10 दिन पहले हमने इसकी कटिंग लेकर मैं आई थी। और ये देखिए इसको कम से कम 10 दिन के लिए आप रख दीजिए छाया वाली जगह पर, और इसके बाद इसके सारे पत्तों को तोड़ दीजिए और इसको फिर आप ऐसे गाड़ दीजिए थोड़ी नीचे तक। तो दोस्तों इसको अगर आप तुरंत लगाएंगे ना तो इसके सड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, फंगस लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जब ये पूरी तरह से ऐसे सूख जाए, देखिए जैसे ये सूख गया है, कम से कम 10 दिन या 8 दिन, 5 दिन, 6 दिन, मतलब इतना इसको रखना रहता है, और इसके बाद इसको आप लगा दीजिए। तो ये दो कलर के हैं, एक रेड है और एक कुछ वाइट तो नहीं कह सकते, एक अलग ही कलर है। तो ये दो हम लगाएंगे, 3 कलम है चंपा की, तो इसको भी हम दोस्तों लगाएंगे। और साथ में हम ढेर सारी लगाएंगे बोगनवेलिया की कलम जो हमने उगाई थी, लेकिन ये मुरझा गया है, पर पता नहीं मरेगा। तो दोस्तों गमले में पहले हम भरते हैं भूसी थोड़ी सी, उसकी जड़ों को अच्छे से, ताकि उसकी जड़ें अच्छे से फैलें और ड्रेनेज भी अच्छा बना रहे, क्योंकि भूसी जो है तो पानी नीचे से निकाल देगी और मिट्टी भी हमारी नहीं बहेगी। तो इस तरह से पहले फिर थोड़ी सी हम मिट्टी इसमें डालते हैं और इसके बाद फिर हम पौधे को इसमें डालकर उगाते हैं। तो दोस्तों एक गमले में मैं 3-3, 4-4 पौधे डाल रही हूँ। तो जब आपके ये पौधे खिलेंगे तो मल्टी कलर खिलेंगे। वैसे मुझे अभी पता नहीं कि कितने कलर, कौन सी कलर क्या है, पर एक गमले में 3-3 करके मैं लगा रही हूँ। दोनों में 2 लगाए हो लेकिन वो बड़े हैं। तो इस तरह से हम अभी लगा रहे हैं दोस्तों, लेकिन इतना मैं ही डरी हुई हूँ, क्या बताएं आपको, पौधे मुरझा गए हमारे। तो दोस्तों ये है चंपा, इसको किसी फंगीसाइड की जरूरत नहीं है, बस आप इसको थोड़ा सा अंदर तक ऐसे गाड़ दीजिए। इसके पत्ते को ऐसे तो कट करना चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ कैंची नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही, क्योंकि ये 10 दिन तक मैंने इसको सुखा दिया है अच्छे से, तो इस तरह से आप इनको लगा दीजिए। तो दोस्तों ये पत्तियाँ तो इसमें 15 दिन में हरी हरी आपको दिखने लगेंगे, लेकिन इसको आप 2 महीने तक किसी भी तरह से डिस्टर्ब मत करिएगा। नहीं, ये दूसरी थी। तो इस तरह से हम चंपा को बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। और दोस्तों इसको हमको छोटा पौधा बनाना है, ये बड़ा पौधा, बड़ा पेड़ होता है चंपा का, लेकिन हम गमले में अगर लगाते हैं और इसकी टाइम टाइम से कटिंग करते हैं तो ये छोटा रहेगा और बहुत खूबसूरत पौधे फूल खिलते हैं इसके। और इसी तरह से हमने इतना सारा बोगनवेलिया लगा लिया, ये देखिए। और अब इसको हम रखेंगे छाया में 1 हफ्ते 10 दिन तक, जब ये जड़ पकड़ लेंगी, पौधे फिर से हरे हो जाएंगे, सौक नहीं लगेगा, तब इसको हम ले चलेंगे छत पर। तो दोस्तों आज मैं ढेर सारी कलम अपनी लगा रही हूँ, मतलब कलम हमारी, देखिए फूल भी आने शुरू हो गए हैं कलम में, तो इसीलिए हमने कहा निकाल लेते हैं, तो अल्टी बाल्टी जो मिल रहा है। तो दोस्तों पहले हम इसमें थर्माकोल के टुकड़े डालते हैं, ये देखिए, पूरा नहीं बताऊंगी, और ये थर्माकोल के टुकड़े डाल के फिर थोड़ी सी भूसी डालते हैं इसमें, और फिर थोड़ी सी मोटी रेत, दिखाना इधर, इसमें डालना, तो मोटी रेत, थोड़ी सी मोटी रेत डालते हैं। ये सब प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि इसकी जड़ जो है आराम से फैले और पानी भी ना रुके। तो इस तरह से बस हो गया, इतनी सी इसमें हम ये मोटी रेत डालते हैं, और इसके बाद फिर थोड़ी सी मिट्टी डालकर, और इसको हम इसकी ही मिट्टी में गोल गोल बांध कर लाए हैं ताकि इसकी जड़ें डिस्टर्ब ना हों। अगर ये दोस्तों बोगनवेलिया एक बार सॉक में जाता है ना, तो फिर ये 3 महीने, मतलब कई हफ्ते इसको लग जाते हैं सॉक से बाहर आने में। हो सकता है ना मरे, सॉक से बाहर आ जाए, लेकिन सॉक से बाहर आने में इसको 2-3 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए इसको ऐसे बांध बांध कर मिट्टी में लेकर आई हूँ, और अब इसमें हम उगाएंगे। वो हम जो मिट्टी तैयार करे हैं इसके लिए, मिक्सर जो है उसमें भी हमने राइस हस्क, मोटी रेत और साधारण मिट्टी, थोड़ी सी बर्मी कंपोस्ट, बहुत पकी हुई जो अच्छी सी अच्छी हो, बर्मी कंपोस्ट नहीं कह सकते उसको, हमारे किचन की किचन वेस्ट, वो सारा कुछ, लीफ कंपोस्ट, सारा कुछ मिलाकर हम इन कलम को उगा रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारा सेड वाला एरिया, जहाँ पर हम ये छोटे छोटे पौधों को रखते हैं, जब ये थोड़े तैयार हो जाते हैं तो फिर इनको हम ऊपर लेकर जाते हैं।
क्योंकि इनको सेमी सेट रखना में रखना बहुत ज़रूरी है सेमी सेट में, नहीं तो ये अभी मर जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो अभी मेरे को इनको रिपॉट नहीं करना था, इनको पॉट नहीं देना था, लेकिन अब ये खिलने लगे, फूल खिलने लगे, तो फिर इनको फिर ज़्यादा जड़े नीचे चली जाएंगे, इसलिए हमने इनको निकाला। तो दोस्तों अभी हमारे पास उतने पॉट नहीं हैं, ये तो जेल है, तो उधर से लीजिए, रिकू है। तो दोस्तों एक पॉट में मैं तीन तीन पौधे लगा रही हूँ, और वैसे भी क्योंकि हमारे पास अभी ग्राफ्टेड वाले नहीं हैं तो तीन हम लगाएंगे। और दोस्तों बिल्कुल जानकारी नहीं है कि कौन सा कलर है कौन सा नहीं है, लेकिन तीन तीन हम लगा रहे हैं। अगर तीन कलर की हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में रिपोर्ट करते समय इनको हम चेंज कर देंगे। अभी तो बस इनको हमको सुरक्षित रखना है ये वाले। तो एक जैसे जो है, जैसे 21 ज्वेल्स को तीन 21 ज्वेल्स लगाऊंगी, और ये नॉर्मल वाले हैं, कौन सा है ये नहीं पता कौन सा कलर, तो इनको अलग लगाऊंगी। देखना जड़ जड़ ना टूटे, थोड़ा सा दूर से लेना। तो ये देखिए तीन पौधों को मैं एक साथ, दोस्तों इससे होता क्या है कि आपको मल्टी कलर इसमें दिखेगा, ऐसे लगेगा कि ग्राफ्टेड है, बट अब ये जानकारी नहीं है कि कौन से हैं तीन। ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, और कितने बड़े बड़े मतलब हो गए हैं। लेकिन इनको अभी हम धूप में नहीं रखेंगे, सेमी सेट जगह में रखेंगे, और दोनों टाइम इनमें हम पानी डालेंगे, पानी मतलब सींचेंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा भरना नहीं है इनको। एक कुंदरू का बल्ब आ गया है, ये देखिए यहाँ भी कुंदरू तैयार हो जाएगा। दोस्तों देखिए हमारे यहाँ कुंदरू इतना ज़्यादा होता है, ये थोड़ा छोटा है लेकिन इससे भी तैयार हो जाएगा कुंदरू, तो इसको मैं फेंक दूँगी। तो इस तरह से हमने इसको अपना तैयार कर रही हूँ मैं, सारे बोगनवेलिया के जो हैं ये गमले। तो दोस्तों पूरी तरह से गमले को मत भरिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें खाद पानी डालने की जगह होनी चाहिए, तो बस इतना ही करेंगे, बाकी पानी डालने से थोड़ा सा और नीचे जाएगा ये, तो इतना ही भरना है हमको। इसी तरह से एक और हम तैयार करेंगे, इसमें भी हम तीन एक ही प्रजाति के प्रजाति मतलब इसमें 21 ज्वेल्स लगाएंगे। इसका तो कलर दिख रहा है, बाकी का कलर हमको नहीं पता, क्योंकि कलम अलग अलग जगह से लाई गई हैं, तो कब कौन सा लाई हूँ मेरे को खुद ही याद नहीं है, कौन से कलर हैं हमको सच में कुछ याद नहीं है। हाँ बड़े वाला लगा दो, इसमें तीन लगाना, तीन के लाए ना। तो दोस्तों हम बहुत सारी मैं उगा रही हूँ, तो अभी हमारे पास चार पॉट ही बचे थे ये, तो इसमें हम गिन कर तीन तीन पौधे के हिसाब से हम ये लेकर आए हैं। पीछे हमने उगा रही हूँ मैं पीछे कलम, एक छोटा एक बड़ा करके, उसको बड़ा है तो उसको रहने दो, छोटा छोटा कर मिक्स। तो दोस्तों इसमें भी मैं तीन पौधों को डाल रही हूँ, अभी हमें इनको सुरक्षित करना है, बाद में फिर हम देखते हैं इनके लिए पॉट लेकर आएंगे। और हंसना मत कि बाल्टी में लगा रहे हैं, हमको अभी अपने पौधों को सुरक्षित करना है, बाद में फिर हम लाएंगे गमले। गमले कब पड़ जाते हैं दोस्तों, हम का करें, एमा हमरा का कसूर। तो दोस्तों देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत मेहनत किए हम, अभी हम आपको दिखाएंगे कि कितने सारे हमने कलम को मतलब कि पॉट दिया है अभी सुरक्षित करने के लिए इनको। इसका कलर देखिए कितना सुंदर है, अब इसको भी हम भरेंगे। इसमें हमने उसी प्रक्रिया से पहले थर्माकोल, फिर भूसी, फिर थोड़ी सी मोटी रेत, और इसके बाद इनको रखेंगे। तो दोस्तों पॉट हमारे छोटे हैं, लेकिन हमारे पास ये ज़्यादा है, तो हमको तीन तीन लगाना पड़ रहा है। ये कब है क्या, दो ही दो हैं क्या? तो दोस्तों ये पॉट हमारे थोड़े छोटे हैं, तो इनमें हम दो ही दो डालेंगे, क्योंकि तीन के लायक नहीं है ये। ये चूंकि बाल्टियां हैं तो इनमें थोड़ी जगह ज़्यादा रहती है, तो इसमें हम दो ही डाल रहे हैं। तो उसी प्रक्रिया से नीचे थर्माकोल डालने से, दोस्तों रिपोर्ट में भी बहुत आसानी रहती है, रिपोर्टिंग जब आप करेंगे थर्माकोल के कारण तुरंत आसानी से निकल जाता है, और इसकी जड़ों को फैलने का अच्छा मौका मिलता है, और साथ में आपके इसमें पानी नहीं रुकता है, पानी रुकने से पौधे खराब होते हैं। तो इस तरह से लगाइए आप भी। तो दोस्तों इस तरह से देखिए मोटी रेत डालने से ना आपके इसमें पानी नहीं रुकता है, और इसको रेत ये पसंद करता है, मोटी रेत बजरी इस तरह से, तो इस तरह से जरूर डालें। चलो लगा उसको, थोड़ी सी इस तरह से आप अपना मिक्स डाल दीजिए इसमें, और इसके बाद इसको रखना है पौधे को, और इसके बाद फिर हम भरते हैं। इस प्रक्रिया से हम लगा रहे हैं, देखिए खुल जा रहा है।
चंदी क्या कर रहा है, इतना ज्यादा नहीं दबाइए ना, टूट के चढ़े टूटे नहीं। अब इस तरह से हम रख देंगे, दो ही दो पेड़ लगा रहे हैं इसमें, दो ही दो ही पौधे। दोस्तों आप लोग भी बिस्तर से उठिए और पेड़ लगाइए, मतलब फल वाले पेड़ लगाइए। हमारे देश को लाखों हजारों पेड़ की ज़रूरत है अच्छे वातावरण के लिए, अच्छा ताकि हमारे देश में पॉल्यूशन ना रहे और प्रकृति का बैलेंस बना रहे। देखना 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 मारो मत। तो आप लोग भी बिस्तर छोड़िए और कम से कम एक व्यक्ति दो पेड़ लगाए। मैं अपने हिस्से का कई पेड़ लगा चुकी हूँ इस साल, आप लोग भी अपने हिस्से का पेड़ लगाएँ, चाहे जहाँ लगाएँ, गार्डन में लगाएं, अपने घर के आसपास लगाएं, जहां मर्जी हो घर के सामने लगाएं, लेकिन ज़रूर लगाएं। मैं अपने हिस्से का लगा चुकी हूं, लेकिन मैं अभी और लगाऊंगी। जैसे बरसात शुरू होगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं ढेर सारे पेड़ लगाऊंगी। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने पौधे उगाए हैं। देखिए छोटे छोटे जो कलम हम लेकर आए थे वो तैयार हुई हैं। ये थोड़ी सी जगह है जहाँ छाया रहती है, ये देखिए। तो इस तरह से हम अपने पौधों को रखे हैं। तो ये जब तब तक यहाँ रहेंगे जब तक इनमें ऐसा लगेगा कि सॉक में नहीं है, मतलब कम से कम 10 दिन मैं यहाँ रखूँगी। और दोस्तों इसको तो 1 महीने पूरा रखूँगी। ये है चंपा, इसको भी मैं उगाई हूँ, तो ये भी करीब 1 महीने यहाँ रहेगा। इसके बाद फिर इसको हम बाहर निकाल, सेम इज जगह, हल्की यहाँ धूप भी आएगी। इसमें तो नहीं आनी चाहिए धूप, लेकिन इसमें हल्की सी धूप भी आएगी। तो इस तरह से दोस्तों हमने उगाए अपने, आज सुबह सुबह हमने काम किया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे सींचते हुए इनको। 21 जा रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आप हमसे कुछ सीखते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें। और दोस्तों हमारे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप देखेंगे, देखेंगे तो सीखेंगे, और सीखेंगे तो आपका भी मन करेगा कि आप भी उगाएं। दोस्तों इसमें हमने हल्दी उगाई है, और किसमें हल्दी उगाया है, अच्छा हाँ उस साइड हल्दी उगाया है, और इसमें अरबी उगाई हुई है, तो और इधर भी इसमें भी हमने हल्दी उगाया हुआ है। तो दोस्तों कोई भी कंटेनर हमारा छोटा से छोटा बचेगा नहीं, सबको हम उगाएंगे। तो टाइम जैसे जैसे आते जाता है, जिसका जो सीजन होता है, सीजन से थोड़ा फास्ट ही मैं उगाती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, और आपकी कोई नेक सलाह हो, अच्छी सलाह हो तो ज़रूर दें। और दोस्तों पौधे लगाएं, पौधे यानी पेड़, सब्जियां तो लगाएं, फूल लगाएं, ये भी पॉल्यूशन कम करता है, लेकिन दोस्तों पौधे लगाएं, बड़े पौधे, आम लगाएं, नींबू लगाएं, चीकू लगाएं, पीपल लगाएं, नीम लगाएं, बरगद लगाएं, जो हमको ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं। इस तरह से अगर चाहते हैं कि प्रकृति का संतुलन बना रहे, तो प्लीज़ दोस्तों पौधे लगाएं। कुछ नहीं तो हर बंदा एक पौधा लगाए, तो हमारे देश का पूरा संतुलन जो है प्रकृति का, एकदम से बैलेंस हो जाएगा जो बिगड़ा हुआ है। ये हमने टमाटर तोड़ लिए, अब चलते हैं नीचे की छत में। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। आप इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए और हमारी वीडियो को देखिए, और कोई आपकी सलाह हो तो ज़रूर दीजिए, और इस तरह 2-4 चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाइए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमसे बहुत स्नेह करते हैं। और दोस्तों गाय कहाँ जाएंगी, हमको गायों को अपनाना होगा। तो इस तरह से देखिए चंदू को, देखिए 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 कितना सुंदर है, कितना प्यारा है कि नहीं। ये देखिए, तो ये है गौरी का बेटा और लक्ष्मी का भाई। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह से हमारी वीडियो देखिए, अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दें, ताकि आपको बीच बीच में चंदू दिखता रहे। देखिए चंदू को मेरे बाल खा रहा है। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।